चलिए एक और क्वेश्चन है होमवर्क में। हालांकि मैंने बोला था कि ट्राई करना, जिन बच्चों ने किया होगा, हो भी सकता है हो गया हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन डाउट में रहा हो। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और उसके अकॉर्डिंगली हम इसको आज कंप्लीट करेंगे। जो भी क्वेश्चन पेंडिंग रह गए थे इसको हम कर लेते हैं फटाफट से। और एक ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो थर्ड क्वेश्चन है, देखिए देखिए, चलिए सर, क्वेश्चन में कहता है इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट अ कंपनी यूसेज थ्री रॉ मटेरियल। सर कहने का मतलब है कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रही है सर? एक प्रोडक्ट कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग जो कर रही है ना कंपनी, वो कर रही है एक प्रोडक्ट। और अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो इस प्रोडक्ट को बनाने में कुछ चीजें लगने वाली है। दैट इज ए भी लगेगा और बी भी लगेगा और सी भी लगेगा। सेम कोई भी चीज हम बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो सिंपल चीजों से नहीं बनता, उसमें काफी चीजें सारी लग जाती है। अगर मैं सिंपल सी चाय बनाने की ही अगर बात करूं, तो अगर आप चाय को बनाते हैं तो उसमें चाय एक प्रोडक्ट है, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने में चीनी लग रहा है, चाय पत्ती है, दूध है और अदर बहुत सारी चीजों को मिला के फिर एक कप चाय बनता है, यानी प्रोडक्ट। तो हमें इस प्रोडक्ट का बारे में नहीं बताना, हमें एग्जामिनर को किसके बारे में पूछा जाए भी देख लेते हैं। कहता है कि कंपनी यूज थ्री रॉ मटेरियल ए बी सी एक प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ विच फॉलोइंग अप्लाई वीकली प्रोडक्शन। कहता है कि हम हर महीने या हर हफ्ते 175 यूनिट बना लेते हैं। अब एक प्रोडक्ट को बनाने में ना ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि सारा सामान ही लगेगा। एक प्रोडक्ट को बनाने में कभी ऐसा नहीं होता कि ये तीनों क्या लगने वाला है, हमारा इक्वल ही लगेगा। तो बड़ी बेसिक सी बात है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप जवाब दीजिएगा, मुझे ध्यान से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है और प्रोडक्ट सी है। मैंने कहा कि ये 10 सॉरी ये एक यूनिट लगना है। क्वेश्चन विजुअल नहीं है, पहले तो इसको बंद करें। ठीक है, क्वेश्चन प्रॉपर विजुअल है? कितने बच्चे बोल रहे हैं क्वेश्चन विजुअल नहीं है, बता दीजिए फटाफट। मुझे तो प्रॉपर विजुअल है, सामने स्क्रीन पे दिख रहा है मुझे, फुल स्क्रीन प्रॉपर नहीं आ रही। एक सेकेंड रुकिए, जस्ट वेट। चलिए करवा देते हैं विजुअल, अब आ गई होगी। अब चेक करिए, अब आ गई पूरी स्क्रीन। और सभी बच्चों को नए एप्लीकेशन का, कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको नहीं मिला, बाकी बच्चों को नए एप्लीकेशन का एक्सेस मिल चुका है। आप वहां जाके भी क्लासेस को ले सकते हैं। खैर, कुछ बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं मिला, मैं दोबारा चीजों को स्टार्ट करके फिर से बता देता हूं। तो मैं क्या कह रहा था क्वेश्चन में, मैं दोबारा समझा देता हूँ, जो बच्चे लेट भी ज्वाइन हुए हैं उनको भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में है क्या बेसिकली गिवन? क्वेश्चन में कहता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैं इसको बड़ा ही कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है इसके पास कंपनी यूज रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल क्या, ए बी और सी, तीन रॉ मटेरियल यूज कर रहा है। इन रिस्पेक्ट विच फॉलोइंग अप्लाई, यानी एक कंपनी को अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है ना, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है कंपनी को, तो
तो प्रोडक्ट अकेली चीजों से नहीं बनेगा, इसके अंदर काफी सारा सामान मिला के तब एक कंपोनेंट तैयार होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया चाय का, एक कप को चाय बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजें की जरूरत पड़ जाती है, दूध है, चीनी है, चाय पत्ती है, फिर बनता है। मान लेते हैं इस प्रोडक्ट को बनाने में तीन चीजों की जरूरत है, मान लेते हैं ए, बी और सी। मुझे साधारण सा जवाब दीजिएगा। मान लेते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में ए के 2 यूनिट लगेंगे, बी के 5 लगने वाले हैं और सी के 10 लगने वाले हैं। मैं डिजायर कर रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं 10 यूनिट बनाऊं, और यूनिट इज प्रोडक्ट। यूनिट क्या? एक प्रोडक्ट है। मैं डिजायर कर रहा हूं 10 यूनिट बनाऊं, तो मुझे आप बताइएगा कि मैं ए का कितना खर्च करने वाला हूं और बी का कितना और सी का कितना। तो बहुत सिंपल सा और बेसिक सा जवाब आना चाहिए आप लोगों का कि सर एक प्रोडक्ट को यानी एक यूनिट को बनाने में आपका ए का 2 यूनिट लग रहा है, तो अगर आप 10 यूनिट बनाओगे तो ए का कितना लगेगा? 10 × 2 यानी 20। सर सेम बी का अगर आप बोलते हो तो कितने लगेंगे? 10 × 5 यानी 50। और सर सेम सेम सी का बोलते हो तो 10 × 10 यानी 100। क्लास इस पे होगी जो मैं बोल रहा हूँ, नए एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड। जो बच्चे बोल रहे हैं ना, इंटरनेट बहुत कंज्यूम होता है, शिक्षा धाम ऑफिशियल के नाम से अभी वो चल रहा है, बहुत जल्दी उसे हम सारी चीजें उस पे शिफ्ट करेंगे। लेकिन जो बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा सर इंटरनेट यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा, बहुत ज्यादा, उनके लिए ये बात चल रही है कि भाई वहां पे जाके सेकेंडरी ऑप्शन दिया जा रहा है कुछ दिनों के लिए, वहां इंटरनेट कम यूज होगा, लाइव क्लास नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए अभी वो सिर्फ। तो सर यानी ये वाली बात समझ में आई है? पहले आपको हाँ या ना में जवाब दीजिए जो मैंने ये समझाया है। ये समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है रॉ मटेरियल जो है हमारा ए लगेगा, बी लगेगा और सी। कहता है यूनिट पर यूनिट, यानी ये 10 यूनिट लगेगा ए का 1 यूनिट बनाने में, बी का 4 लगेगा और सी का। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब ई ओ क्यू, ए का अपना दे रखा है, बी का अपना दे रखा है और सी का अपना दे रखा है। रेट पर ऑर्डर मतलब ये रेट है, कॉस्ट पर यूनिट है, कॉस्ट पर यूनिट सीपीयू। डिलीवरी पीरियड टाइम दे रखा है सर। इसके बाद ऑर्डर लेवल, तो ये क्या है ऑर्डर लेवल? री ऑर्डर लेवल ROL है, मिनिमम लेवल आपको यहां पे दे रखा है। क्वेश्चन कहता है कि भैया सबकी सारी बातें नहीं पूछेंगे, ए का आप मिनिमम स्टॉक लेवल बता दीजिए, सिर्फ ए का। सर ए का मिनिमम बता दे। पहले मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम मिनिमम लेवल का हमने सीखा था क्या होता है, ROL माइनस एवरेज इनटू में एवरेज। एक यूज है और एक टाइम है, यही होता है। तो ROL देखा जाए तो हमें ए का ROL पहले से ही गिवन है 8000, है ना। और सर एवरेज निकालने के लिए हमें ए का देखा जाए यूनिट, एवरेज व्हाट? यूनिट निकालना है। एवरेज क्या? यूसेज है। तो एवरेज यूसेज अगर देखा जाए तो कितने आएंगे? 200 दे रखा है यहाँ पे। तो सर अगर आपके 200 यूनिट यूसेज हैं तो हम तो यूनिट का थोड़ी निकाल रहे हैं मिनिमम लेवल, हम मिनिमम लेवल किसका निकाल रहे हैं? ए का निकाल रहे हैं, यूनिट का नहीं निकाल रहे ना, किसका निकाल रहे हैं? ए का। अब आपको 200 को एक को बनाने में 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे यहाँ, यानी ए का लगने वाला है 2000, ए का लगने वाला है 2000। पहले इस बात को आप बताइए, किसी को डाउट है तो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। यहां तक किसी को डाउट है क्या? यहां तक किसी को डाउट नहीं? मैं अभी लाइव क्लास का कोई चक्कर नहीं है, वो सिर्फ रिकॉर्डेड के लिए है। किसी को डाइट? सर रिकॉर्डेड नहीं है। जिसका जो प्रॉब्लम है एक बार मैसेज डालना, आप नए वाले में चैट में डाल देना कि मेरे को क्लास नहीं शो हो रहा, मेरा रजिस्टर्ड नंबर ये है,
तो उस पर जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा, चिंता मत करो अभी, क्योंकि उस पर ना थोड़ा सा R&D चल रहा है, देख रहे हैं कि भैया वो सक्सेस हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस वजह से भी थोड़ा सा लग रहा है। चलिए टाइम की बात करते हैं, तो टाइम तो यही है ना, और टाइम अगर निकाले तो 3 + 1 / 2 यानी 2 × 2 तो सर क्या आ जाएगा, 8,000 माइनस में 4,000, जवाब आ गया 4,000, पहले का आंसर डन, किसी को दिक्कत? चलिए सर दूसरे का आंसर, कहता है मिनिमम स्टॉक ऑफ बी, बी का भी सॉरी मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, बी कहता है मैक्सिमम, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला ROL बोल लो प्लस ROQ मिनिमम माइन इनटू माइनस मिनिमम टाइम। अब सर इसने बोला है बी का निकालने को, तो हम बी के बारे में सोचेंगे बस, तो ROL बी का अगर देखा जाए दे रखा है, दे रखा है 47.50, ROQ दे रखा है मिनिमम यूसेज, अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम कहता है 175, मिनिमम यूसेज अगर देखें ना तो मिनिमम यूसेज है क्वेश्चन में 175 यूनिट, तो आपको 175 यूनिट मिनिमम बनाओगे और बी का निकाल रहे हो, तो बी के तो 4 खपत होंगे, बी के कितने खपत होंगे, तो इससे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मिनिमम आ जाएगा कंजम्पशन, कितने आ रहे हैं 700 × 2 में। अब मिनिमम टाइम, अब यहां पे 5 और 3 2 दे रखे हैं, तो इसमें से कम क्या है 3, तो 3 ले लिया, अब ये कितने आ गए हमारे 97 और माइनस में 2100, तो कितने आ गए 76, 76.50 सर, आपके किताब का ही क्वेश्चन है ये। अब कहता है सी में आप रीऑर्डर लेवल निकालिए सी का सिर्फ, यानी इसका रीऑर्डर लेवल, तो सी पार्ट कहता है रीऑर्डर लेवल यानी ROL होता क्या है, रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम यूज इनटू में मैक्सिमम टाइम, इसके दो फॉर्मूले बताए थे मैंने, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है। अब मैक्सिमम यूसेज की बात कर रहे हो सी का, तो सी का मैक्सिमम यूसेज कितना होगा, मैक्सिमम 225 है यूनिट, और आप सी की बात कर रहे हो तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, कितने 1350 इंटू में मैक्सिमम टाइम, तो टाइम की देखे तो 4 5400। अब कहता है एवरेज लेवल ऑफ ए बताइए, ए का एवरेज लेवल बताना है सर, एवरेज लेवल कैसे पता चलता है, एक मिनिमम ए का पता होना चाहिए और ए का मैक्सिमम भी पता होना चाहिए, जबकि ए का देखा जाए मिनिमम पता है। अब एक और फॉर्मूला है जहां पे एवरेज निकाला जा सकता है, जहां पे मिनिमम मैक्सिमम दोनों ना पता हो तब भी हो सकता है, क्या फॉर्मूला लिखवाया था इसका, देखो एवरेज लेवल, एवरेज लेवल का फॉर्मूला एक तो था मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, ये लेवल है यूज नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आगे एक और फॉर्मूला था सर इसका, मिनिमम लेवल प्लस 1/2 × तो हम देखेंगे दोनों में से क्या जानकारी अवेलेबल है वो लगा देंगे। तो देखो मिनिमम लेवल हमें पता है, क्या EOQ पता है हमें, EOQ भी पता है, तो ये वाला मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा, मिनिमम लेवल आया था 4,000 प्लस 1/2 और इनटू में EOQ क्या है, दैट इज आपका आंसर आ गया। ऐसे आपको ऐसे सवालों का जवाब देना है।
और इस बात का ध्यान रखना, फॉर्मूला जरूर कोट करना है, ऐसा नहीं कि पता है एवरेज लेवल तो क्या, रीऑर्डर लेवल क्या होता है, मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम होता है। आप बोलोगे ये तो कॉमन सी बात है, लिखने की क्या जरूरत है, लेकिन वहां मार्क्स कट जाएंगे। एग्जामिनर को सारे फॉर्मूला, और मैं यहाँ पे बहुत एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म में MIN लिख दिया, एग्जाम में पूरा लिख के आना होगा आपको। कॉस्ट के लिए अभी वेट करिए, मैथ्स का ले सकते हैं। अभी देखते हैं, डेंजर स्टॉक लेवल का भी क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। सर क्वेश्चन 2, 5, 10 कैसे आया? 2, 5, 10। अच्छा वो पिछले सवाल पे है 2, 5, 10। मेरे ख्याल वो ये पूछ रहे हैं, ये मेरा खुद का एग्जाम्पल था, ये कहीं सवाल नहीं है, ये मैंने अपने मन से एग्जाम्पल लिया था भाई साहब, मन से, ये किताब में नहीं गिवन था, इसको आप किताब के अंदर ना ढूंढें, ठीक है? ये मैंने अपने हिसाब से ले लिया था कि ये होगा तो क्या होगा।